नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री नुमाइश मैदान में पहुंचेंगे। इसको लेकर इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 39 नेताओं को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। बड़ी बात यह है कि कमेटी में पहली बार सचिन पायलट, शशि थरूर, आनंद शर्मा, अशोक चव्हाण और चरणजीत सिंह चन्नी को भी शामिल किया गया है। भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। कई राज्यों में बनाए गए फर्जी लाभार्थी, फर्जी संस्थान और फर्जी नामों से बैंक खाते सामने आए हैं। मामला कथित तौर पर अल्पसंख्यक संस्थानों, राज्य प्रशासन और बैंकों में संस्थागत भ्रष्टाचार का है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई जांच की बात कही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लैरो परिगाम इलाके में रविवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस और सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि पुलिस और सेना की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में स्थित श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट रविवार रात ठीक 12 बजे खुले। साल भर में एक दिन खुलने वाले इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। वहीं इस बार नागपंचमी सोमवार के दिन होने से भक्तों की संख्या बढ़ रही है। ये दर्शन सोमवार रात 12 बजे तक चलेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा है कि अगर पीएम मोदी 2024 में चुनाव जीत कर पीएम बनते हैं तो वो डॉक्टर बीआर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान करने वाले हैं। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 9 सालों में देश में कौन कौन से काम किए हैं। सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। मूवी की सक्सेस के बीच रविवार को सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी की खबर आई थी। इसे लेकर अब नया अपडेट सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई ऑंक्शन का नोटिस वापस ले लिया है। इसकी वजह टेक्निकल बताई गई है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन तेल कंपनियों की ओर से जारी किए जाते हैं। सुबह 6 बजे जारी किए गए पेट्रोल और डीजल के नए रेट के मुताबिक कुछ शहरों में ईंधन की कीमतें बदली हैं। हालांकि अभी भी पेट्रोल और डीजल के रेट्स नई दिल्ली समेत कई जगहों पर स्थिर बने हुए हैं। आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में 33 रनों से जीत दर्ज की। इसी के साथ सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 23 अगस्त को डबलिन में ही खेला जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को बारिश के बाद रविवार को तापमान बढ़ गया। इसकी वजह से दिल्ली वालों का हाल उमस ने बेहाल कर दिया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे उमस से राहत नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।